मेष व्यवसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी। आपके किसी परियोजना को सरकारी लाभ प्राप्त होने की संभावना है। कार्यालय से जुड़े कार्य के लिए प्रवास के भी योग हैं। वृषभ गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन मिश्र फलदायी रहेगा। व्यापारी अपने व्यापार में धन लगाकर नए कार्य का प्रारंभ कर सकेंगे और भविष्य के लिए योजना भी बना पाएंगे। विदेश गमन की संभावना भी है। मिथुन गणेश जी चेतावनी देते हुए बताते हैं कि गुस्से की भावना आपको हानि पहुंचा सकती है। बीमार व्यक्ति नई चिकित्सा या ऑपरेशन ना कराए, बदनामी ना हो इसका ध्यान रखें। कम बोलकर वाद विवाद या मन मुटाव दूर कर सकेंगे। कर संवेदनशीलता और प्रेम की भावनाओं से हरा भरा मन आज विपरीत लिंगीय पात्रों की तरफ अधिक आकर्षित होगा। वैभवी मौज शोक की वस्तुएं, नए वस्त्राभूषण तथा वाहन वगैरह की खरीदारी होगी। सिंह गणेश जी कहते हैं कि उदासीन वृत्ति और संदेह की भावना आपके मन को बेचैन बनाएंगे। दैनिक कार्य विलंब से पूरे होंगे। परिश्रम तो अधिक करेंगे परंतु फल कम मिलेगा। नौकरी में संभल कर रहें। कन्या आज का दिन चिंता और उद्वेग से परिपूर्ण होगा। पेट की गड़बड़ी से स्वास्थ्य खराब होगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई में अवरोध आएगा। अचानक धन खर्च आएगा। बौद्धिक चर्चाएं और समझौते में असफलता मिलेगी। तुला गणेश जी आज के दिन सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। विचारों की भरमार आपको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएगी। माता और स्त्री वर्ग संबंधित चिंता सताएगी। आज के दिन यात्रा स्थगित रखें। वृश्चिक आज आपके लिए लाभदायी दिन है ऐसा गणेश जी कहते हैं। आज आर्थिक लाभ होने के साथ साथ भाग्य में भी लाभ होगा। स्नेही जनों के साथ संबंधों में प्रेम की अधिकता रहेगी। धनु गणेश जी सावधान करते हुए कहते हैं कि परिवार जनों के साथ होने वाली गलतफहमी से बचें। व्यर्थ में धन खर्च होगा। मानसिक उचाट और दुविधा के कारण महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेंगे। कार्यों में निर्धारित सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मकर ईश्वर भक्ति और पूजा पाठ से आज के दिन का श्री गणेश कहें। परिवार में मंगलकारी वातावरण रहेगा। दोस्तों और सगे संबंधियों की तरफ से भेंट उपहार मिलने से आनंद अनुभव करेंगे। कुंभ पैसे के लेन देन या जमानत आपको फंसा ना दे, इसका ध्यान रखने के लिए गणेश जी कहते हैं। एकाग्रता का अभाव मानसिक अस्वस्थता बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न खड़े होंगे। मी समाज में अग्रिम स्थान प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक कार्यों में भाग लेने जाना होगा। बुजुर्गों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। मित्र मंडल में नए मित्र जुड़ेंगे। नौकरी और व्यवसाय में आय वृद्धि का योग है।